वायरस बढ़ाता है तो हमने ये देखा था कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं बैक्टीरियल फेज कहलाते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोला था कि ऐसे वायरस ऐसे विषाणु जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं बैक्टीरियो फेज कहलाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियो फेज की खोज जो है वो एफ डब्ल्यू ड्वार्फ के द्वारा 1915 में की गई थी, जबकि डी हेरेल के द्वारा 1917 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी, ठीक है। जनरली अगर हम देखें बैक्टीरियो फेज को तो बैक्टीरियो फेज में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जो वायरस में पाए जाते हैं, और ये कॉस्मोपॉलिटियन होता है अर्थात ये हर जगह पर पाया जाता है। ये नालियों में पाया जाता है, गंदे नालियों में पाया जाता है, किसी जीव के अंदर पाया जाता है, फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह पाया जाता है, इस कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियोफेज की संरचना की बात करें तो बैक्टीरियोफेज एक टेडपोल लार्वा के समान होता है। टेडपोल लार्वा मेंढक का आपने टेडपोल लार्वा सुना होगा, या यूरोपॉइड्स का जो टेडपोल लार्वा होता है उस लार्वा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ इसकी जो संरचना है किसके समान होती है, टेडपोल लार्वा के समान होती है। इसके शरीर को अगर हम देखें तो इसका शरीर तीन भागों में बटा होता है, तीन भाग, सबसे पहला हेड, दूसरा कॉलर, तीसरा टेल। हेड या सिर, अगर हेड या सिर की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर ये कैसा होता है, बहुभुजाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 90 से 95 मिली माइक्रोन होती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है 60 से लेकर 65 मिली माइक्रोन तक होती है, ठीक है। समझ आ रहा है कि मैंने क्या बताया कि इसका जो हेड है वो कैसा है, बहुभुजाकार है। इसकी पूरी जो टोटल अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 90 से 95 मिली माइक्रोन होता है, जबकि अगर हम इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 60 से 65 मिली माइक्रोन चौड़ा होता है। एक बात और ये बता दें कि इस हेड के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के चारों ओर क्या पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन का जो आवरण है वो लगभग 2000 कैप्सुलियर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात की है, हेड की बात की है। अब हेड और टेल के बीच में जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम कॉलर या नेक कहते हैं, कॉलर या नेक कहते हैं, जो एक वलयाकार प्लेट का बना हुआ होता है, वलयाकार प्लेट के समान संरचना का बना हुआ होता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी नेक की। इसके बाद का जो तीसरा जो इसका मुख्य पार्ट है वो कहलाता है टेल, ठीक है। टेल की बात कर रहे हैं हम, इसके पूंछ की बात कर रहे हैं, और जब हम पूंछ की जब इसकी बात करते हैं तब ऐसे अवस्था में हमको ये नजर आता है कि ये कैसा है, ये बेलनाकार है, बेलनाकार होता है, और इसमें डीएनए का जो है वो अभाव पाया जाता है। लेकिन ये जो है 8 विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन की बनी हुई जो है तंतुओं का बना होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, 8 संकुचन शील, 8 विभिन्न प्रकार की प्रोटीन की संकुचन शील संरचनाओं का बना हुआ होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, टेल की हमने बात की है। टेल के नीचे एक हेक्सागोनल प्लेट पाई जाती है जिसको आधारी प्लेट कहते हैं, आधारी संरचना कहते हैं, और इस आधारी संरचना में अनेक सुई नुमा खूंटी नुमा संरचना पाई जाती है। खूंटी नुमा संरचना को पैक्स या स्पाइस कहते हैं, एक या स्पाइक्स कहते हैं, जो कि होस्ट से चिपकने में सहायता करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन ये जो हेक्सागोनल प्लेट है, इस प्लेट से भी अनेक लंबे पतले धागे नुमा संरचनाएं निकलती है जिनको हम टेल फाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। टेल फाइब्रिल कहते हैं, टेल फाइब्रिल की अगर हम बात करें तो जनरली ये जो है इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो होस्ट से चिपकने के दौरान होस्ट की जो सेल वाल होती है उस सेल वाल को तोड़ने का काम करता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेल फाइब्रिल है, टेल फाइब्रिल क्या काम करता है, जो होस्ट की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति से इस बैक्टीरियोफेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, जो सेल भित्ति है किसकी, होस्ट, जिससे ये चिपक रहा है, जिसके अंदर ये
पाया जा रहा है, जिसके शरीर के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति से जोड़ने का जो काम है वो कौन करेगा? टेल फाइब्रिल के द्वारा। अब टेल फाइब्रिल के द्वारा एक और चीज, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम का भी यहाँ पर सीक्रेशन किया जाता है, और ये एंजाइम जो होता है वो होस्ट की सेल वॉल को नष्ट करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसकी लाइसिस करने का काम करता है। तो ठीक है।